Today we are concerned in talking about how we can apply research ethics into different social settings effectively and efficiently. Consideration in the research ethics include different things and it may include principal investigator relationship with staff. This is very important to understand that what kind of the relationship is being इस्टबलिश बिटवीन द प्रिसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड विद द रेस्ट ऑफ़ द पार्टिसिपेंट्स एंड टीम मेम्बर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या यह रिलेशनशिप कोई डामिनंस का रिलेशनशिप तो नहीं आदर दिस रिलेशनशिप इज़ ऑन एक बेसिस और इसमें कोई सुपीरियारिटी का इंप्लीमेंट तो नहीं आ रहा इसके अंदर कोई ऐसा एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा जिसमें हम देखें कि जूनियर्स को बहुत आ, इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि वह बहुत समिसिव फील करें और वो प्रॉबिबली रिसर्च के प्रोसेस में अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको सही तरीके से डिपेक्ट डि 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 ना कर सकें या उसके अंदर वो अपनी राय का इजहार ना कर सकें कि सब्जेक्ट्स के साथ कोई मैल ट्रीटमेंट जो है वो ना किया जा रहा हो सो द ओवरऑल सिचुएशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टीज हु आर इंगेंज इन दैट एक्सपेरिमेंट और इन अ सोशल सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुली लुकटिन टू अ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेटर शुड डू multiple things and it may include obtain team management skills. जब हम team management skills की बात करते हैं तो it means के एक team का हर member जो है वो equally एक team member की तरह काम कर रहा हो बल्कि वो इस तरह काम ना कर रहा हो कि वो सिर्फ एक subordinate की हैसियत से काम कर रहा हो तो team building, एक team work और एक दूसरे के साथ interaction on a positive note is very important. Rather than के एक ओवरऑल सन्नारियो ये महसूस हो रहा हो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अगर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कराए तो सब टीम मेंबर सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि उसके हाइपोथेसिस को ट्रू प्रूफ करना है दिस इज़ समथिंग विच शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय द ओवरऑल टीम वर्क बल्कि टीम वर्क इस तरह से होना चाहिए कि सब मेंबर्स इस तरह पार्टिसिपेट और इस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हों कि उनका इवेंचुअल पर्पज जो है वो ये हो कि वो एक अच्छी एक कारमद रिसर्च जो है उसको प्रोड्यूस कर रही रिगार्डलेस ऑफ द फियर दैट वट एवर द रिजल्ट वुड बी हमारा पर्पज कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि टीम इस तरह से काम करे कि वो सिर्फ हाइपोथिस को प्रूव करे बल्कि हमें उसके सब एस्पेक्ट्स को देखने के लिए रेडी रहना चाहिए चाहे वो पॉजिटिव आ रही हों या वो नेगेटिव आ रहे होन इनक्रेज क्वेस्म कॉलिग्स एंड स्टाफ फॉर इंस्टेंस इफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैज डिजाइन इट इन अ वे विच हैज सम लूप्स

पासर बाय बिहेवियर देख रहे हैं उसके अंदर किसी डेंजर सिचुएशन की हमने अगर कोई स्टेज सेटअप किया है कोई रोल प्लेइंग कर रहे हैं तो वहाँ पर uh, किन तरह किस तरह के सेफ्टी हैजर्ड्स हो सकते हैं बाय चांस वहाँ पे कोई ऐसी हैपनिंग हो सकती है जिसके अंदर जो हमारे रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी सेफ्टी जो है वो हम इंश्योर ना कर सकें वहाँ पे किसी तरह का कोई ट्रैफिक का इशू हो सकता है कोई नॉइज़ का इशू हो सकता है वहाँ पे कोई पर्सनल सेफ़्टी का इशू हो सकता है तो ऐसी सब चीजों को एक दूसरे से क्वेश्चन करना क्रॉस चेक करना टीम मेंबर्स का एक दूसरे से उसके बारे में डिबेट करना और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का उसको हैप्पीली और बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ रिसीव करना और अपनी रिसर्च में इनकोऑपरेट करना एक अच्छे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का ट्रेट होता है देन लिसन टू द कंसर्न्स ऑफ रिसर्च स्टाफ एज दे मे बी द फर्स्ट टू पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स विद द प्रोटोकॉल एंड विद द कंप्लाइंस वट एवर द रिसर्च डिज़ाइन इज देर मे बी सर्टन इशूज़ रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट डिज़ाइन और उसके प्रोटोकॉल में और उसके कम्प्लाइंस में जहाँ जहाँ पर कोई इशूज़ हो सकते हैं उनको हमें डिस्कस भी करना चाहिए और अगर वो बाई चांस या बाई वर्चू ऑफ चांस या बाई इंसिडेंस अगर कोई रिपोर्ट करता है कि जी ये कम्प्लें इसमें अराइव हो सकती है तो उन सारे फैक्टर्स को इफेक्टिवली सुनना और इम्प्लीमेंट करना भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का काम है बिल्ड कंसेंसिस विद द रिसर्च टीम इफ़ वी हैव टू डू मल्टीपल ऑल्टर टू डू वन सिंगल टास्क तो वहाँ पे डिस्कशन करना और एक कंसेंसिस बिल्ड करना कि अगर हम एक स्पेसिफिक बिहेवियर देख रहे हैं और एक सोशल सिचुएशन में देख रहे हैं तो वो सोशल सिचुएशन के क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं लेट्स सी अगर हम शेम अटैकिंग एक्सरसाइजेस की बात करें तो शेम अटैकिंग एक्सरसाइजेस डिफरेंट सनारियोज़ में डिफरेंट सेटअप्स में हो सकती हैं इसके लिए आइडियाज़ लेना और फिर ये डिसाइड करना कि कौन सा आइडिया जो है वो हमारे लिए रिसर्च एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट होगा उसको इम्प्लीमेंट करना प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एलिमिनेट इंटिमिडेशन बाय इंटीमिडेशन इन दो पोजीशन। अगर आप एक खौफ का माहौल रखेंगे अगर आप एक ऐसा सन्ैरियो रखेंगे जिसमें एक दूसरे से बात करने के लिए कोई रेपो बिल्ड ना हो कोई अपनी फीलिंग्स अपनी आइडियाज़ uh, को शेयर ना कर सके तो वहाँ पर uh, कभी भी एक पॉजिटिव इन्वामेंट नहीं होगा और रिसर्च एक बहुत ही क्लोज इन्वायरमेंट में होगी और जो आपके सुपरवाइजीज हैं वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकेंगे सुपरवाइज़र के साथ तो इसको इंश्योर करना कि कोई इंटिमिडेशन का वहाँ माहौल ना हो बल्कि एक ओपन और फेयर कम्युनिकेशन हो ये भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेड और उसी का एक इम्पॉर्टेंट काम है Authority relationships are not limited to principal investigator and the staff, but they can also include authority of a sponsor over a principal investigator. Sponsorships are very important in research. At times different companies research sponsor, research product. Sponsor let's say it could be a, uh, let's say a breast formula milk formula, or कि company sponsor कि और हम उसके अंदर कुछ मदर्स को और कुछ बच्चों को लेकर एक सोशल सेटअप बना के उसमें एक रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे स्पॉन्सर का बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना कि वो उसमें अपनी प्रोडक्ट की बेसिकली ज़्यादा इन्हेंसमेंट चाह रहा है रादर देन जो रिसर्च उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है तो वहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि रिसर्चर के स्टेक्स क्या हैं और स्पॉन्सर के स्टेक्स क्या हैं जस्ट टू गिव द बेनिफिट टू द स्पॉन्सर विक जस्ट कांट यू नो फोर गो द रिसर्च एथिक प्रैक्टिस और हमें उसके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए कि हमें उससे कोई मोनिटरी गेन हो रहा होगा हम अपनी रिसर्च के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हम निकोशिएट नहीं कर सकते उनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते दे विल स्टैंड स्टिल वेयर दे आर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वी हैव टू फॉलो दैम एट एनी कॉस्ट देन अथॉरिटी ऑफ अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ओवर पार्टिसिपेंट्स इसी तरह आप पार्टिसिपेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने इस क्वेश्चन इस का ये आंसर देना है या इस सोशल सेटिंग में आपने अगर ये आपको कोई इंडिकेटर दिया जाएगा तो आप इस स्पेसिफिक तरह से बिहेव करेंगे दे शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस योर सेल्फ और वहाँ पर आप किसी को डिकटेट नहीं कर सकते देन अथॉरिटी ऑफ अ प्रोटोकॉल ओवर द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इसी तरह अगर कोई स्पेसिफ़िक प्रोटोकॉल्स इंक्लूड हैं अगर हमने किसी रिसर्च में कोई प्रोटोकॉल्स रखे हुए हैं तो सिर्फ उन प्रोटोकॉल्स की वजह से भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अपनी मेजर फाइंडिंग्स को ट्विस्ट uh, नहीं कर सकते अपने प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते बट दे आर बाइंड बाय द रिसर्च एथिक्स प्रैक्टिस दैट हैव टू फुलफिल ऑल एथिक्स क्वेश्चंस इफेक्टिवली क्योंकि उसके ऊपर हमने किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना then another kind of uh, situation is investigator and subject relationship. the investigator must place the participant's right, welfare, and safety above all other personal and scientific concerns. maybe there could be some challenging assignment. but that specific situation is not. फेवरेबल फॉर अर पार्टिसिपेंट टू डू तो देर यू नीड टू थिंक टॉइस दैट आदर वी आर गोइंग टू डू दैट एक्सपेरिमेंट जस्ट फॉर हैविंग सम साइंटिफिक रिजर्स और नॉट प्रीवियस स्लाइड्स में हम जहाँ पर भी बात करते रहे हैं ट्रेडिशनल रिसर्च एथिक वायोलेशन की वहाँ हमने यही देखा कि बहुत बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई और ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स देखे गए जो बहुत चैलेंजिंग थे लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वायलेशन भी की गई रिसर्च एथिक्स की द रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट इज सिमिलर टू फिजिशियन एंड पेशेंट रिलेशनशिप बट डिफरेंट इन डिफरेंट वेज लाइक जिस तरह से एक डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में ट्रीटमेंट के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं की जा सकती जो जो कि सब्जेक्ट को हार्म दे रही हों लेकिन साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो इसी तरह हम रिसर्च में भी ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर सकते Informed consent is required for each kind of research. This is something we have talked about number of times. Withdrawal from the research is on the discretion of the participant. This is also something which we have talked about number of times. Then investigators should be sensitive to power relationships. Up power show subject analysis performance. And the last is that the investigators has a trustful relationship with the participants. There should be, as such, no mistrust and no deceiving thing which should be included in research. If you commit one thing, that should actually be the thing, but not something else.